अस्सलाम वालेकुम। $35 मैंने टूल आंसर से ऐड किए हैं, जिसपे मैंने अपने क्लाइंट को डेटा एंट्री लीड जनरेशन का वर्क करके दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, टूल आंसर की जो वेबसाइट है ये फ्रीलांसर की वेबसाइट है। जिस तरह फाइवर अपवर्क की वेबसाइट है, इस तरह की ये सेम टूल आंसर भी फ्रीलांसर की वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके क्लाइंट से वर्क पकड़ सकती हैं। यहाँ पे भी डाटा एंट्री, टाइपिंग वर्क, इसके अलावा लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके पैसा जनरेट कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फाइवर अपवर्क यूट्यूब पे ज्यादा वर्क करता हूँ, फ्रीलांसर पे बहुत मैं कम आता हूँ, लेकिन यहाँ से भी मुझे अर्निंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। आज मैं आपको टूल आंसर के बारे में ए टू दे कंप्लीट गाइड करूंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि ये देख सकते हैं, मैंने अपने टूल आंसर की प्रोफाइल ओपन की हुई है। यहाँ पे ये मेरी टूल आंसर की अर्निंग शो हो रही है। जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे लाइफ टाइम लिखा शो रहा है। लाइफ टाइम मैंने टूल आंसर से $35 अर्न किया। अगर हम इस महीने की अर्निंग की बात करें तो इस महीने मैंने टूल आंसर से $12 अर्न किया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो ये प्रोजेक्ट अप्लाइड, कितने प्रोजेक्ट पे मैंने अप्लाई किया है। 25 प्रोजेक्ट पे मैंने अप्लाई किया है। लास्ट 7 डेज में मैंने 7 प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल व्यूज शो हो रहे हैं भी। इस महीने मेरी प्रोफाइल पे 102 लोगों ने व्यू किए हैं। इसके बाद लास्ट 7 डेज में 22 लोगों ने व्यूज किए हैं। टोटल मैं 25 प्रपोजल जॉब पे सेंड कर चुका हूँ। इसके बाद अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो ये मेरी टूल आंसर की प्रोफाइल है। जैसा कि ये देख सकते हैं, टूल आंसर पे मैंने डाटा एंट्री वेब रिसर्च की प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। अगर हम इस साइड पे हैं तो यहाँ पे टोटल अर्निंग शो हो रही है। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, 5 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। सर्विस डिलीवर्ड 5 है। बायर वर्कड विद 4। फीडबैक 12 है, ठीक है। 12 लोगों ने मेरी प्रोफाइल पे फीडबैक किए हुए हैं। अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा से ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है। यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें ऐड की हुई हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आप किस तरह से टूल आंसर से डाटा एंट्री लीड जनरेशन की या आप अपने स्किल सेट पे जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से आप उन जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने सकना टॉप पे जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड जॉब। आप यहाँ पे मोस्ट करते लेकर आएंगे। यहाँ पे ये ब्राउज जॉब लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे। डियर फ्रेंड, मैंने ब्राउज जॉब पे प्रेस किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये जॉब शो हो चुकी है। जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी डिजायर्ड जॉब सर्च करेंगे। सपोज कि मैं डाटा एंट्री का वर्क करना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डाटा एंट्री। जैसा कि ये देख सकते हैं, डियर फ्रेंड, मैंने डाटा एंट्री सर्च किया तो हमारे सामने यहाँ पे सारी की सारी डाटा एंट्री जॉब शो हो चुकी है। यहाँ पे ये जॉब शो हो रही है, आई एम लुकिंग फॉर अ ई कॉमर्स डाटा एंट्री। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी फिक्स प्राइस है $6। 117 लोगों ने इस पे प्रपोजल सेंड किया हुआ है। कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है? डाटा एंट्री, एक्सेल, डाटा प्रोसेसिंग, इन स्किल्स की जरूरत है। सिंपली आप व्यू एंड अप्लाई पे प्रेस करेंगे, इस जॉब पे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब शो हो रही है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो $4 पर आवर आपको ये जॉब करने के दिए जाएंगे। इसके बाद नीचे ये स्किल्स शो हो रहे हैं, किन किन स्किल्स की जरूरत है। इस तरह का हम थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे एक और डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की जॉब शो हो रही है। इसकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही है $3 पर आवर। इस तरह आप नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे सारी सारी डाटा एंट्री की जॉब शो हो रही है। इस तरह आप लोगो डिजाइनर की जॉब भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपके पास दुनिया का जो भी स्किल हो, आप वही स्किल यहाँ पे सर्च करेंगे, आपके सामने वही जॉब शो हो जाएंगे। आपने इन जॉब पे प्रपोजल सेंड करना है। इसके बाद अगर मैं फिनांस अकाउंटिंग पे प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से मुझे फिनांस से रिलेटेड पे जॉब शो हो चुकी है। इसके बाद अगर मैं कस्टमर सपोर्ट पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस की जॉब शो हो चुकी है, जैसा कि ये देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं सोशल मीडिया SEO पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सोशल मीडिया SEO की जॉब शो हो चुकी है। इस तरह अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन की जॉब शो हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आपने किस तरह से इन जॉब पे प्रपोजल सेंड करके अप्लाई करना है। जब तक आप इन जॉब पे प्रपोजल सेंड नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ से वर्क नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपने किस तरह से किसी भी जॉब पे प्रपोजल सेंड करना है, ठीक है भाई। दोस्तों अब मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने किस तरह से किसी भी जॉब पे अप्लाई करना है, किस तरह से आपने प्रपोजल सेंड करना है। सपोज का ये जॉब है तो यहाँ पे कुछ व्यू एंड अप्लाई, आप व्यू एंड अप्लाई पे प्रेस करेंगे। जैसा की ये देख सकते हैं, डियर फ्रेंड, मैंने व्यू एंड अप्लाई पे प्रेस किया तो यहाँ पे जॉब की डिटेल शो हो चुकी है। इसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे स्किल दिखा शो रहा है, कौन कौन से स्किल की जरूरत है। यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल शो हो रही है, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेंड प्रपोजल, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। डियर फ्रेंड, मैंने सेंड अ प्रपोजल पे प्रेस किया तो यहाँ पे आपने अपनी जॉब का प्रपोजल टाइप करना है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है आपने प्रपोजल सेंड करना है। तो मैंने ऑलरेडी प्रपोजल लेकर रखा हुआ है, उस प्रपोजल को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं, मैंने ये प्रपोजल लेकर रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं प्रपोजल पेस्ट कर देता हूँ। आपने भी ऐसा करना है, एक बार प्रपोजल लेकर रख देना है, वही कॉपी करके आपने जॉब पे सेंड करना है। प्रपोजल में टाइप करते हैं, यहाँ पे आपने अपनी प्राइस टाइप लिख दी है, कितने पैसे लेंगे आप इस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के। सपोज क्या मैं चाहता हूँ, मैं 3,000 लूंगा तो यहाँ पे मैं 3,000 टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे भी 3,000 टाइप कर देते हो और आपने नीचे तरह सेंड प्रपोजल पे आपने प्रेस करना है। सेंड प्रपोजल पे प्रेस किया तो हमारा प्रपोजल इस जॉब पे सेंड हो चुका है। यहाँ पे सिमिलर जॉब शो हो चुकी है, सिंपली हम इसको कैंसिल कर देते हैं।
हमारा सक्सेसफुली प्रपोजल जहाँ पे सेंड हो चुका है, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रहा है, यू हैव ऑलरेडी सेंट अ प्रपोजल फॉर दिस जॉब। ठीक है भाई, तो क्लाइंट आपके प्रपोजल का रिव्यू करेगा और आपको जॉब सेंड कर देगा। इस दोस्तों अब हम बात करते हैं आपने फ्रीलांसर से पेमेंट को किस तरह से विदड्रॉ करवाना है। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपली आपने अपनी प्रोफाइल पे माउस का कर्सर लेकर आना है, यहाँ पे कुछ पेमेंट आप पेमेंट पे प्रेस करेंगे। डियर फ्रेंड, मैंने पेमेंट पे प्रेस किया तो इस तरह से मतलब ये डैशबोर्ड शो चुका है, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अवेलेबल बैलेंस शो रहा है जो कि $35 था। इसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे जाना, यहाँ पे ये पेआउट से कुछ रहा है, पेआउट पे प्रेस करेंगे। डियर फ्रेंड, मैंने पेआउट पे प्रेस किया तो यहाँ पे दो तरह के पेमेंट मेथड है, पेपाल है, पायोनियर है। अगर आपका पेपाल का अकाउंट बना हुआ तो आप पेपाल का पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पायोनियर का पेमेंट मेथड सेट करके आप अपनी पेमेंट को विदड्रॉ करवा सकते हैं। सिंपली आपने एड अकाउंट पे प्रेस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट पायोनियर। तो जो आप कनेक्ट पायोनियर पे प्रेस करेंगे इस तरह से आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल बैंक ट्रांसफर या पायोनियर कार्ड। ठीक है, अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पे प्रेस करेंगे। इसके बाद साइन अप पे प्रेस करके आप अपना पायोनियर का अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, आपका पेमेंट मेथड सेट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप फ्रीलांसर पे वर्क करके पैसा कमा सकते हैं। आई होप आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।